हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यार अमरेंद्र सिंह। ओके, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ का एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, देखो यार, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर आता है, क्योंकि यार आप आगे जैसे ही बढ़ते हो ना, तो आपको आगे ये सब सारी चीज़ें कंसेप्ट एज अ कंसेप्ट यूज होने वाली है। ठीक है, तो यार आपको ये श्योर करना है कि इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो यार चलिए बिना लेट किए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यार अगर हम लोग जरा प्रीवियस क्लास का भी बात किया जाए, लाइक 6, 7, 8, 9, तो वहाँ पर आप एक लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में आप क्या पढ़ते थे कि यार आपको कुछ इस टाइप का कंसेप्ट मिल जाता था कि यार क्वेश्चन है कि एक्स प्लस टू इक्वल टू फाइव है और यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप सिंपली क्या करते थे कि यार प्लस टू को आप राइट हैंड साइड भेज देते थे और ये हो जाता था एक्स इक्वल टू फाइव माइनस टू, और यहाँ से सिंपली एक्स की एक सिंगल वैल्यू मिल जाती थी। ठीक है, तो यार देखो आप इक्वेशन, अगर आपको देखो यार बहुत सारा इक्वेशन देखने को मिलता है बुक में, कॉपी में कोई बताता है, ठीक है, लेकिन आप किसी इक्वेशन को देखकर कैसे ये बताओगे कि वो लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अभी तक तो खैर अभी क्वाड्रेटिक तक आप सुने हो, क्यूबिक भी सुने हो, बाई क्वाड्रेटिक भी। ठीक है, तो मैं इन सारी चीज़ों को जरा एक बार डील कर लूँ। ठीक, देखो यार एक चीज़ आती है डिग्री। ठीक है, डिग्री क्या होता है कि एक्स का जो भी पावर होता है ना उसको मैं डिग्री बोलता हूँ। ठीक है, मैं क्या सारे लोग बोलते हैं। तो यार यहाँ पर जो एक्स का पावर है डेट आर नथिंग बट अ वन। ओके, तो यहाँ पर एक्स का पावर वन होने के कारण मैं बोलता हूँ कि यार ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल टर्म है एक्स का और कोई एक्स है नहीं, तो इस एक्स का मैं पावर देखूंगा क्या है, वन है, तो मैं इस इक्वेशन को बोलूंगा लीनियर इक्वेशन। अगर मान लीजिए सपोज कहीं भी आपको ऐसा इक्वेशन देखने को मिल जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी हम लोग बाद में बात करेंगे कि यार क्वाड्रेटिक एक्चुअली में क्या होता है, लेकिन यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यहाँ पर आप x का देखो तो x का टर्म यहाँ भी है और x का टर्म यहाँ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो x का पावर है डेटा 1 और यहाँ पर जो x का पावर है डेटा 2, तो हम मैक्सिमम पावर को काउंट करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पावर इसका तो नहीं है, इसका है, तो इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डिग्री हमें कितना मिला, 2 मिला। तो जिस इक्वेशन में मैक्सिमम डिग्री जो होता है अगर वो 2 होता है तो उसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी बहुत सारा मतलब टर्म एंड कंडीशन होता है, उन सारे चीजों को हम लोग डील करेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए कोई आपने इक्वेशन देखा ऐसा कुछ ऐसा, देखिए एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, ऐसा इक्वेशन, तो यहाँ पर जो x की मैक्सिमम डिग्री है डेट आर 3, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि यार ये इक्वेशन जो है डेट आर क्यूबिक इक्वेशन, डेट आर क्यूबिक इक्वेशन। अब मान लीजिए यार कहीं पर ऐसा इक्वेशन मिल गया कि x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है x का डेट आर 4, तो 4 अगर आ गया तो इसको हम लोग बोलेंगे ये इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक है, मतलब क्वाड्रेटिक का दो गुना है, दो गुना मतलब क्वाड्रेटिक में होता है 2, तो दो गुना करोगे 4 हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यार आपको तो इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि किस इक्वेशन को देखकर वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है, आप इतना तो बता ले जाओगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वाकई में व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है डेट आर, अगर इसका डिफिनेशन देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द वेरिएबल ऑफ एक्स विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, जिसमें ए बी और सी हैं, जो ए है बी है सी है, डेट आर कॉल्ड एज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट, और इनकी वैल्यू 1, 2, 3, 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ ए के लिए एक स्पेशल कंडीशन है कि ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्यों, अब जरा सोचो, इससे पहले हमने बात किया है लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक क्या होता है। तो यहाँ पर अगर ए की वैल्यू सपोज
जीरो हो जाती है तो एक्स स्क्वायर का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये टर्म जब गायब हो जाएगा तो आप बताओ कि एक्स की मैक्सिमम डिग्री वन मिलेगी, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो यार अगर कोई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो उसका मैक्सिमम डिग्री कितनी होनी चाहिए, टू होना चाहिए। इसीलिए ए जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, बाकी वो कुछ भी हो। हाँ, बी के लिए भी कंडीशन है कि देखो ये टर्म अगर जीरो हो भी जाता है डजंट मैटर, इक्वेशन पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ने वाला, जीरो है तो भी ठीक, जीरो ना है तो भी ठीक, ठीक है। लेकिन हमारा कांस्टेंट सी, वो तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक।